देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। काया, काया पता नहीं कहाँ चली गई। ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ ही आई थी। काया, क्या तुम यहाँ हो? काया, गॉड। हेलो हेलो, ढूंढ रही हो तुम? तो टेररिस्ट अटैक हुआ है यार। तुम हो कहाँ? मुझे मिली क्यों नहीं? वेयर आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम पहले बताओ तुम कहाँ हो। तुम ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं। वो मैं ये मिस रिसेप्शनिस्ट के साथ। मिसेस? या फाइन, मिसेस रिसेप्शनिस्ट के साथ हूँ अभी। तुम मेघा के साथ हो? थैंक गॉड। यू नो हर? ऑफ कोर्स आई नो हर। सुनो, तुम उसके साथ ही रहना, उसे छोड़ के कहीं मत जाना। तुम उसके साथ सेफ हो, क्योंकि जब हमने ये होटल ज्वाइन किया था, हमें सिखाया गया था अतिथि देवो भवो, यू आर सेफ विद हर, डू यू अंडरस्टैंड? ये मूवी दिखाई थी? नहीं काया, जब हमने ट्रेनिंग ली थी, हमने ज्वाइन किया था, तो हमने एक शपथ ली थी। हमारे लिए हर मेहमान भगवान के समान है, हर एक मेहमान की जिम्मेदारी हमारी है। सो यू गेट इट, यू जस्ट बी विद हर, ओके? तुम कहीं मत जाना। कैसी बातें कर रही हो तुम प्राची? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम यहाँ की एम्प्लॉई हो। मैं इस होटल का कोना कोना जानती हूँ। तो वो शपथ, वो प्रॉमिस जो हमने लिया था, वो मैं निभाऊंगी अपनी जान पे खेल के, क्योंकि सारे गेस्ट की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। जब तक गवर्नमेंट की हेल्प नहीं आती, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबको सेफ रखने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है तुम गणेश की वाइफ के साथ ही रुक के कहीं मत जा। अब ये कौन है? मेघा ही गणेश की वाइफ है। काम करो, बात कराओ उससे। ओके, मेरी फ्रेंड है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो मेघा। राची। मेघा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेघा, याद है तुम्हें, हमने ओथ ली थी, अतिथि देवो भव, सबकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। समझ लो कि आज के दिन के लिए ही हमने ये ट्रेनिंग ली थी, ये शपथ ली थी। हमें सबको सेफ रखना है मेघा। मैं सबको सेफ रखूंगी, तुम भी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी साथ की, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम करोगी ना? क्या? ओके ओके, तुम जहाँ हो वहाँ सबकी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं जहाँ हूँ मैं कोशिश करूंगी सबको सेफ रखूँ। पहले मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हम लोग अभी किचन में है। ओके ओके, मैं वहाँ आती हूँ। तब तक तुम वहीं रहना, ओके? तुम कहीं मत जाना। और सुनो, बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग, आई विल कम राइट नाउ। तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैडम प्लीज, हम लोग को बचा लीजिए। मेरे पास मेरा छोटा बच्चा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके सो जाओ, कुछ देर के लिए। सो कैसे जाऊं मैं? मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास। बच्चा? मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या गुजर रही है। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती। ये आपका अंश है, आपका अपना खून है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे सेफ रखूंगी, मैं आप दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। मैं आप सब मेरे साथ चलिए, आवाज मत करना, चलिए जल्दी जल्दी निकलिए, उठिए, आवाज मत करना, जल्दी जल्दी आगे आगे आगे। हम यही गुस्सा करेगा उसका क्या? मैं तुम्हें कह रहा था ना, चुप रहना, मत बोलना, मत बोलना। क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी बात? क्यों नहीं समझती हो तुम? समझती तो बहुत दूर की बात हो, तुम मेरी बात सुनती भी नहीं हो। तुम पता तुम कैसी हो? बिल्कुल प्राची जैसी हो, वो भी नहीं सुनती थी। क्या
क्या क्या क्या प्राची जैसी प्राची मेरी प्राची भी ऐसी करती थी, वो इतनी जिद्दी थी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरी कोई सुनती नहीं थी, उसकी वजह से मैं फंस जाते थे। तो माई को क्या बोलोगे? अरे भाड़ में गई तुम्हारी माई यार, अगर जिंदा बचेंगे तभी बोल पाएंगे ना कुछ। और तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा उनको। ओके, मैं जाऊंगा उनके पास, बोलूंगा हम बच गए, वो खुश रहेंगी। पक्का? अरे हाँ मेरी मां छोटी प्राची, हाँ पक्का। मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ किया? मैंने कुछ बोला नहीं। ट्रिगर ही तो दबाना था, वो भी नहीं दबाया। पता है क्यों? पता नहीं। क्योंकि मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी है, और तुम बाप बेटी की प्यार वाला झगड़ा देख के जो है ना, मुझे अपनी बेटी याद आ गई। बाप बेटी? मेरे पास तो माई है लेकिन ये... मत बोल मेरी माँ, बाप बेटी सोच के इसे अपनी बेटी याद आ रही है और इमोशनल भी हो रहा है। हो सकता है हमें जाने दे। हाँ, ऑफ कोर्स, मेरी बेटी, मेरी प्यारी, मेरी बच्ची। क्या आप मेरे पापा हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बच्ची हो तो मेरी क्यूट टू, मेरी अच्छी बच्ची। चलो अब घर चलते हैं। ओके सच्ची। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये हमारा झगड़ा हो गया, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है वैसे हमारा झगड़ा हो गया। जैसे उनका ब्रेकअप होता है, हमारा भी ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अभी पैचअप कर लेंगे हम लोग। मैं घर जा रहा हूँ इसको लेके, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना चलते घर चलते। ए, रुको, चले जाना, कोई नहीं, अब तुम पैचअप कर लो। तुम दोनों तो साथ में जाने वाले हो ना घर? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, ऊपर जाओगे, थोड़ा सा दर्द होगा। ओके ये नहीं बचेगा, इसे तो अब मैं ही मारूंगा। ये दरवाजा है, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं आगे जाती हूँ, सिचुएशन देखती हूँ और इशारे से एक एक को बुलाती हूँ। आवाज मत करना, चुपचाप आ जाना है। डोंट वरी, स्टे स्ट्रांग, ओके? हम चले जाएंगे बाहर। अरे ये तो लॉक्ड है, चाबी भी गणेश के पास है। ये लॉक्ड है, इसमें ताला लगा हुआ है। आए तो इधर ही थे, इसी तरफ देख। एक काम करते, ये सीढ़ियां है ना, ये कॉरिडोर नंबर 3 से निकलती है, हम वहां से जा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलो, अब चलो चलो निकलो आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, आए तो इसी तरफ थे, गायब कहाँ गए लोग? यहाँ तो लॉक है, गए कहाँ लोग? इधर गए या उधर? एक काम कर, तू सामने जा, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है सुन, जो भी मिले भून देना। हाथ में गन है कि खिलौना? गन है बॉस। तो खाली करनी चाहिए थी ना उसकी भेजे में। ऐसे काम चलेगा हमारा? ऐसे जीतेंगे हम? हाँ, एक अकेले निहत्ते से मार खा के आ गए तुम। सॉरी बॉस, वो आवाज नहीं। सबको इकट्ठा करो एक कमरे में, एक नई खबर है सबके लिए। ओके बॉस। माई का गुस्सा पता नहीं आपको, बहुत जोर से डांटती है वो, और अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो देख लेना। Are you serious? बैठो,
तुम्हारी हाइट मेरे कमर तक नहीं आती, लेकिन तुम्हारी बातें ना मेरे सर के ऊपर चढ़ रही है। क्यों धमकी दे रही हो? मैं बड़ा हूं तुमसे, मुझे पता है। I'm so sorry. मैं आपको डांट नहीं रहा था। I'm so sorry. आप प्लीज रो मत। मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ू? नहीं, मैं पकड़ूंगी, लेकिन मैं आपको धमकी नहीं दे रही थी। मुझे पता है आप मुझे धमकी नहीं दे रहे थे। I'm really sorry. Please, मुझे माफ कर दो। सॉरी, सच्ची। नहीं प्लीज, आप सॉरी मत बोलो। मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। I'm so sorry. आप माफी मत मांगो, बड़े लोग माफी नहीं मांगते, वो तो छोटे को माफ करते हैं। इसका नाम खुशी है, पर लगता है इसे ज्यादा खुशी कभी मिली नहीं है। अंदर से बहुत दुखी लगती है। खुशी, चाहे बड़ों की गलती हो या छोटों की गलती हो, जिसकी गलती होती है ना, हमेशा वही माफी मांगता है। इस बार मैंने गलती करी तो मैं माफी मांगता हूं। I'm sorry. Okay? ये दरवाजा अभी अभी बंद हुआ लगता है। अंदर आइए। आप सब यहीं रुकिए, मैं डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। हम थोड़ी देर तक यहीं छुप के बैठने, ठीक है? पर हम बाहर कैसे जाएंगे? वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ तक आए हैं ना, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? अच्छा, आप सब यहीं रुकिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ, ठीक है? आपको पता है चाबी कहाँ पर है? रिसेप्शन पर एक मास्टर की होती है, मुझे पता है कहाँ, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ध्यान से जाना, जल्दी आना, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में है। मैंने प्रॉमिस किया है ना, कुछ नहीं होगा आपको, आपकी बेटी को, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, ट्रस्ट मी। और आप यहीं रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए, ठीक है? चलो चलो, जाओ वहां पे, बेड पे जाके बैठ जाओ। कु, जल्दी, डरना मत, कुछ नहीं होगा, ओके? शांत रहना, कुछ मत बोलना। सॉरी मत बोलो। और आप डर क्यों रहे हो? आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट लेके आते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। और मैं हूं ना, आपका रणबीर कपूर है ना, यहाँ बचाने के लिए आपको, मैं बचा लूंगा। आप डरो मत, प्लीज। डर लग रहा है। दरवाजा खोलो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। आपको पता है डर किससे डरता है? डर उस इंसान से डरता है जो डर से लड़ाई करता है, लड़ाई करता है और डर को हराता है। जैसे ही डर आता है ना, डर को बोलता है गो। आपको वो ही करना है। बताऊं कैसे? अपनी आंखें बंद करो और आपका सारा डर जो है ना, वो निकल जाएगा। निकल गया? डर लग रहा है? नहीं। गुड, अब ऐसे ही स्ट्रांग रहना है आपको, ओके? और जो जो मैं बोलूंगा वो करना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? आप बस मेरी बात सुनना, ओके? अभी चलो मेरे साथ। पहले कभी अलमारी में बैठी हो? यहाँ पे चुपचाप बैठना, जब तक मैं ना हूं तब तक बिल्कुल आवाज मत करना, ओके? स्टे क्वाइट। आप? मुझे वहां पे वो बैड अंकल है ना, उनसे फाइट करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे जाना होगा। बट तुम टेंशन मत लेना, मैं आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा, ओके? बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, ओके? बिल्कुल आवाज मत करना। अगर जबरदस्ती आया ना, कोई नहीं बचेगा। मुझे कैसे भी करके इस आदमी को यहाँ से दूर लेके जाना होगा, ताकि खुशी को ना देख पाए। मैं बाद में खुशी के पास आ जाऊंगा। अब देखता हूं तू बच के कैसे जाता है। हाँ, कहाँ हूँ?
उड़ाया। जी बॉस पहुंच रहा हूँ, बॉस सारा काम छोड़कर पहुंच रहा हूँ। जी बॉस करता हूँ कॉल। जी बॉस। गेस्ट रजिस्टर, सबको बचाने में काम आएगा। अब इन लोगों की मौत मेरे हाथों लिखी तो मैं क्या करूं? मारा। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं जानती हूँ इस होटल को अच्छे से। आप चलिए, आइए। Yes, boss. मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि इस होटल में एक बहुत बड़ा आदमी रुका हुआ है। आज उसकी बेटी की शादी है, हो सके तो मार दूंगा बॉस, देखते ही गोलियों से भून डालूंगा। ओ, बॉस नहीं।
जब मैं बोलता हूँ सब लोग चुप रहते हैं, कोई बीच में नहीं बोलता, और अगर कोई बीच में बोलता है वो कभी बोलने के लायक नहीं रहता। सॉरी बॉस। उस आदमी को पकड़ो, हॉस्टेज बनाओ, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। जी बॉस। और सुनो, वो मीडिया वाले भी आते ही होंगे, इधर कैमरे की तरफ देखकर। जी बॉस। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और अपना काम बड़ी सफाई से करो। और याद रहे, ऐसी दहशत फैलाओ कि जो लोगों की आने वाली सात पुस्तें तक भी याद रखें। ऐसी दहशत फैलाओ कि हिंदुस्तान का इतिहास हमसे ही शुरू और हमसे ही खत्म। जो हुकुम बॉस। और याद रहे, तुम सब हमारे सिपाही हो, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जमीन के लिए कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए कर रहे हैं। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए, किसी भी तरीके से तुम उनके गिरफ्त में नहीं आने चाहिए। और अगर गलती से तुम उनकी गिरफ्त में आ भी गए तो याद रहे, वो लोग तुम्हें टॉर्चर करके तुमसे इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही तुम खुदकुशी कर लोगे। इसी में हमारी जीत है। ऐसा ही होगा। जाओ, तुम लोग मेरे सिपाही हो, सिपाही बन के आए हो तो जंग भी फतेह करके आओगे। जीत हमारी पक्की है। जी बॉस।